होंडा एक्स ब्लेड के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि भाई आपको जो होंडा की एक्स ब्लेड है इसमें आपको बिल्कुल ही नया सेगमेंट मिलने वाला है। ये गाड़ी भाई अभी आपको 160 सीसी इंजन के साथ मिल जाती है, जो कि भाई गाड़ी का इंजन और गाड़ी की पावर फिगर बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये गाड़ी भाई आपको 125 सीसी इंजन के साथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई इस बारे में बहुत सारी न्यूज आ रही है कि होंडा भी अपनी गाड़ियों को 125 सीसी इंजन में लॉन्च करेगा। क्योंकि भाई होंडा की जो SP125 है वो भी इंडिया की टॉप बाइकों में से एक है जो कि 125 सीसी में है, और भाई वो गाड़ी फुली फीचर लोडेड भी है। पहले भाई नंबर वन पर एसपी थी, अब ग्लैमर है, लेकिन होंडा भाई लॉन्च करेगा अब एक्स ब्लेड 125, जो कि भाई ये गाड़ी वापस से इंडिया में 125 सीसी में नंबर वन पर हो जाएगी। क्योंकि भाई ग्लैमर में आपको बहुत ही अच्छे फीचर मिल जाते हैं, होंडा एसपी में आपको अब उसके मुकाबले कम फीचर मिलते हैं, लेकिन जब भाई ये एक्स ब्लेड आएगी तो इसमें भी आपको बहुत ही हाईटेक फीचर्स मिलने वाले हैं। कंपनी भाई जो है गाड़ी का जो डिजाइन है और जो गाड़ी का लुक है और जो गाड़ी ग्राफिक है इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन भाई होंडा जो है थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट कटिंग करके देगा, जिससे कि होंडा की जो एक्स ब्लेड है ये आपको कम से कम प्राइस के अंदर मिले और लोग इसे आसानी से परचेस कर पाए। होंडा एक्स ब्लेड भाई आपको जो है फ्रंट में मिल जाएगी डिस्क ब्रेक, रियर में भाई आपको डेफिनेटली मिलेगा ड्रम ब्रेक, साथ में भाई आपको मिल जाएगा CBS, और भाई इसका जो हेडलैम्प है वो आपको मिलेगा LED का, गाड़ी के जो टेल लैम्प है वो आपको मिलेंगे LED के, भाई गाड़ी का जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा हेलोजन का, गाड़ी का भाई जो कंसोल है वो आपको मिलेगा फुली डिजिटल, जिसमें कि भाई आपको बहुत अच्छे फीचर मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई 125 सीसी में हीरो के पास ही बहुत ही अच्छे फीचर हैं, तो भाई होंडा भी अच्छे फीचर देता है, तो भाई होंडा भी आपको इसमें स्मार्टेस्ट कनेक्ट दे सकता है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। और भाई गाड़ी की जो सीट है वो आपको मिलेगी सेम, सिंगल सीट आपको मिल जाएगी, गाड़ी में भाई आपको मिल जाएगा इंजन काउल, इसकी भाई जो फेयरिंग है जो बॉडी है वो आपको बिल्कुल ही 160R के जैसी मिलेगी 125R में, लेकिन भाई इसका जो टायर का साइज है वो आपको थोड़ा सा पतला मिलेगा 160R के मुकाबले, और भाई इसकी जो फ्रंट की जो डिस्क ब्रेक होगी वो भी आपको थोड़ी सी छोटी मिलेगी 160R के मुकाबले भाई, जो कि भाई जाहिर सी बात है। इसका भाई जो फ्रंट का फोर्क है वो आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक का, लेकिन वो आपको थोड़ा पतला मिलेगा 160R के मुकाबले। रियर में भाई आपको मिल जाएंगे मोनोशॉक एब्जॉर्बर, वो भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाले हैं। पीछे भाई आपको मिल जाएगा टायर हगर गार्ड, जिससे कि आपको छींटों की दिक्कत कम आएगी। और भाई गाड़ी का जो डायमेंशन है जो वेट है इसमें तो आपको भाई चेंजेस मिलेंगे, ये गाड़ी भाई उससे थोड़ी सी हल्की आपको देखने को मिल जाएगी, कि भाई बाइक कहाँ 160 सीसी का इंजन कहाँ 125 सीसी का इंजन, वो आप खुद डिफाइन कर लो। होंडा एक्स ब्लेड भाई आपको जो है 125 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिलेगा भाई, जो कि आपको ये मिलेगा बाइक का, भाई गाड़ी की जो पावर फिगर है वो आपको लगभग 12 HP के आसपास की मिलेगी, और भाई इसका जो टॉर्क है वो आपको लगभग 11 Nm के आसपास का मिलेगा। साथ में भाई आपको गाड़ी में मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर 5-स्पीड गियर बॉक्स, जिससे कि भाई ये गाड़ी आपको लगभग 112 का टॉप स्पीड और इसका भाई जो माइलेज है वो आपको 50 के आसपास तक का मिल जाएगा, जो कि भाई ये गाड़ी जो है सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक माइलेज परफॉर्मेंस लुक फीचर सब कुछ आपको 125 सीसी में बहुत ही बेहतरीन और दमदार मिलने वाला है होंडा की ओर से। तो फाइनली बात करते हैं होंडा एक्स ब्लेड 125 के प्राइस के बारे में, तो भाई ये गाड़ी आपको लगभग इंडिया में जो है 95,000 रुपए के आसपास तक का एक्स शोरूम मिल जाएगी, यानी कि भाई ये गाड़ी आपको 95,000 रुपीज के आसपास तक एक्स शोरूम मिलेगी, और भाई इसका जो भाई प्राइस होगा ऑन रोड वो आपको लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास तक का प्राइस आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई ये प्राइस कंफर्म नहीं है, ये एक अंदाजा है कि भाई आपको प्राइस क्या देखने को मिलेगा। तो फाइनली बात कर लेते हैं गाड़ी के लॉन्च के बारे में, तो भाई ये गाड़ी आपको अगले साल तक मिल जाएगी, भाई ये गाड़ी आपको इस साल तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, और भाई होंडा की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि होंडा एक्स ब्लेड 125 सीसी में लॉन्च होने वाली है, लेकिन भाई इस गाड़ी को लेकर बहुत सारी न्यूज भी आ रही है, भाई लॉन्च तो होगी लेकिन कब होगी उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।